सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। यूपी की छोनी ने वो कर दिखाया जो ना कर सका। भारत का बड़ा नाम अपने हाथों से सिले कपड़े पहन कांस में जीता अवार्ड। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंट्रो न्यूज पर। आज बात करते हैं दुनिया के सबसे सम्मानित पुरस्कार समारोह में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल की, जिसका हिस्सा बनना हर किसी का सपना होता है। सपने को पूरा करते हुए फैशन डिजाइनर और कंटेंट क्रिएटर नैंसी त्यागी ने इस सपने को पूरा कर लिया है। यहां तक कि खुद के कपड़े डिजाइन करके पहनकर डिजिटल क्रिएटर का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। अब हर कोई इस लड़की के टैलेंट का कायल हो गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की रहने वाली नैंसी का आउटफिट बड़े बड़े फैशन डिजाइनर के स्टाइल को मात देता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली बेस्ड फैशन इन्फ्लुएंसर ने इसे इतना ग्रेसफुली कैरी किया कि सभी देखते हुए रह गए। इस बेबी पिंक गाउन को देखकर नैंसी की मेहनत का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है, जिसे उन्होंने 30 दिन तक काम करके बनाया है। महज 21 साल की उम्र में कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने वाली नैंसी त्यागी पहली इंडियन फैशन इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने कांस 2024 के रेड कारपेट पर वॉक करके हर भारतीय का दिल जीत लिया है। उन्होंने किसी फैशन डिजाइनर नहीं बल्कि अपने हाथों से बना बेबी पिंक कलर का गाउन पहना था, जिसमें नैंसी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। नैंसी ने इस खूबसूरत से आउटफिट को बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उन्होंने 30 दिन में 1000 मीटर कपड़े की मदद से लगभग 20 किलोग्राम के इस गाउन को बनाया। सफ़र मुश्किल ज़रूर रहा, लेकिन नैंसी अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हुए इसे शानदार तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया। नैंसी ने ना सिर्फ इस गाउन को डिज़ाइन किया बल्कि खुद ही सिला भी। उन्होंने आउटफिट को ऑफ शोल्डर रखा और साथ ही साथ जिस पर सिल्वर सितारों की मदद से गुलाबी धागे से बारीक कढ़ाई करके फ्लावर बनाए गए हैं, जो इस खूबसूरत गाउन में शाइन जोड़ देने का काम कर रहे हैं। इस गाउन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मशहूर डिज़ाइनर ने बनाया हो, क्योंकि नैंसी से इसे बेहद ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया। रफोल्ड गाउन की 7 लेयर और लॉन्ग ट्रेल इसे प्रिंसेस लुक देने का काम कर रही है। हर एक लेयर को इतनी बारीकी से तैयार किया गया कि इसमें नैंसी का टैलेंट दिखाई दे रहा है। नैंसी ने अपने प्रिंसेस लुक के लिए गाउन की मैचिंग के शोल्डर तब तक लंबे ग्लव्स भी पहने। इसके अलावा कैरेटलिन की खूबसूरत सिल्वर नेक पीस और ईयरिंग्स के साथ पेयर किए, साथ ही वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें की अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनवा गांव से कांस रेड कारपेट तक नैंसी का सफ़र कमाल रहा। बागपत में 12वीं की पढ़ाई करने के बाद नैंसी यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली आ गई, लेकिन जल्द ही लॉकडाउन लग गया और उनकी किस्मत पलट गई। फिर उन्होंने जल्द ही पैसा कमाने के लिए कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के स्टाइल को कॉपी कर अपने अंदाज में उन्हें तैयार किया। अब खुद की बनाई ड्रेस को कांस के रेड कारपेट पर उतार भारत की शान बन गई हैं। तो यह है नैंसी की पूरी कहानी। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।